दर्शन उपनिषद है, शुरुआत ही होती है लेट माई लिम्स एंड स्पीच प्राण आईज ईयर्स वाइटैलिटी एंड ऑल द सेंसेस ग्रो इन स्ट्रेंथ। सबसे पहले माई क्या है, कौन है जो ये प्रार्थना कर रहा है, माई कौन है? माई का अर्थ हुआ मन से, मन से। ओम से शुरुआत जो की जाती है वो अपने आप में बड़ी सांकेतिक होती है। ओम का कोई अर्थ तो होता नहीं है, ओम से शुरुआत करना बताता है कि आगे भी जो कुछ आएगा उसका कोई शाब्दिक अर्थ ना लिया जाए, ठीक उसी तरीके से जैसे ओम का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं हो सकता। ओम सिर्फ क्या है, एक इशारा है, एक ध्वनि है जो इशारा करती है। उसी तरीके से आगे भी जो कुछ आएगा उसकी लिटरल मीनिंग ना पकड़ के बैठ जाए, ध्यान से समझना पड़ेगा बात क्या कही जा रही है। तो हमने कहा कि जो एंटिटी है जो ये कह रही है, मी माय लिम्स ऑल माय सेंस ऑर्गन्स दे शुड बी स्ट्रॉन्ग, वो क्या है? वो मन है। मन कहता है लेट ऑल द सेंसेस ग्रो इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या अर्थ है? स्ट्रेंथ के, बल के, यहाँ पर दोनों अर्थ हैं, फिजिकल भी मेटाफिजिकल भी, भौतिक भी और पराभौतिक भी। आँख है उसमें भौतिक ताकत रहे, फिजिकल स्ट्रेंथ रहे, इसका अर्थ ये है कि आँख साफ साफ देख पाए। सीधे अर्थों में कहें तो आपको चश्मा ना लगे, और सांकेतिक रूप से देखें तो इसका अर्थ है कि आप में सींग की ताकत रहे, दृष्टि स्पष्ट रहे। जैसे दर्शन उपनिषद नाम है तो ये कौन सा दर्शन है कि सामने दरवाजे का दर्शन कर लिया है? किस अर्थ में ये इस्तेमाल किया गया है? दर्शन उपनिषद में दर्शन शब्द किस अर्थ में इस्तेमाल किया गया है? क्या दर्शन? सत्य का दर्शन, ठीक है ना। दर्शन का अर्थ ये तो नहीं है कि तुम सामने बैठे हो और तुम्हारी आँख कान नाक टी शर्ट का दर्शन कर लिया, ये तो दर्शन का मतलब नहीं होता। दर्शन का अर्थ है कि असली बात क्या है ये जान लिया। उसी तरीके से जब ये कहा जा रहा है कि इंद्रियां ताकतवर हों तो उसका अर्थ यही है कि आँख दर्शन कर पाए साफ साफ, कान साफ साफ सुन पाए, और साफ साफ सुनना दोनों तलों पर होगा। पहला तो यही कि जो नॉर्मल हियरिंग है वो तो होती ही रहे लेकिन लिसनिंग भी साथ में होती रहे। स्ट्रेंथ का अर्थ है हियरिंग तो होती ही रहे और साथ में लिसनिंग भी होती रहे। आँखें जो भौतिक ऑब्जेक्ट सामने है वस्तु रूप में वो तो देखें ही लेकिन उसके पीछे का जो सत्य है वो भी साफ साफ देख लें, ठीक है ना। आँखें पर्दे पर जो मूवी चल रही है उसको तो देखें ही लेकिन साथ ही साथ आँखों को उस पर्दे का भी ख्याल रहे। प्राण माने सांस। प्राण वो है जो मन और शरीर के बीच का सेतु है, इसको इसी तरीके से कहा गया है प्राण मन सांस। आयाम का मतलब होता है विस्तार, प्राणायाम मतलब सांस का विस्तार। सांस आमतौर पे जितना कर सकती है उसके आगे जा करके जब करते हो तो उसे कहते हैं प्राणायाम। All existence is the Brahma of the Upanishads. क्या अर्थ है इस बात का? All existence is the Brahma of the Upanishads. इसको जो अभी अभी ऊपर की पंक्ति है उससे जोड़ो तो स्पष्ट होगी बात।
पहली पंक्ति में जो बात कही गई है उससे जोड़ो, जो भी इंद्रियां दिखाएं, यदि वो ये दिखा रही हैं कि सामने एक कटा हुआ आइसोलेटेड फ्रेगमेंटेड दृश्य है, तो आंख दिखा नहीं रही है, सिर्फ धोखा दे रही है। समझ में आ रही है बात? अगर मन के होने का अर्थ ये है कि मैं एक आइसोलेटेड यूनिट हूँ, मैं एक अहंकार हूँ, तो मन सत्य दिखा नहीं रहा है बल्कि सत्य को छुपाने का काम कर रहा है। सेंस ऑर्गन्स सार्थक तभी हैं जब वो दिखा पाए जो दूसरी पंक्ति है, क्या दिखा पाए कि ऑल एग्जिस्टेंस इज द ब्रह्म ऑफ उपनिषद्स। आंख आंख तभी है जब ब्रह्म को देख पाए। आंख अगर जमीन देख रही है और मिट्टी ही देख रही है और बोतल ही देख रही है और व्यक्ति ही देख रही है, तो फिर ये आंख दिखाने वाली आंख नहीं है, ये धोखा देने वाली आंख है। पांव तभी पांव है जब चले, लेकिन साथ ही साथ ये याद रहे कि कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं जाया नहीं जा सकता। स्पेस एंड टाइमर इल्यूजन्स। वाणी वाणी तभी है जब शब्द को उच्चारित करे पर वो शब्द ब्रह्म मौन यहां से निकले। आ रही बात समझ में? May I never deny Brahm, nor Brahm deny me. Me क्या है यहाँ पे? Me क्या है? Brahm क्या है? मन का स्रोत। Denial का अर्थ है कि दोनों में दूरी ना रहे। Denial का अर्थ है मन और मन के स्रोत में दूरी ना रहे। Denial का अर्थ है कि मन और मन के स्रोत में दूरी ना रहे। मन अपने स्रोत में डूबा हुआ रहे। और समझने की बात है कि स्रोत अपनी ओर से तो कभी दूरी बनाता नहीं। तो ये कहना कि नॉर ब्रह्म डिनाई मी, इसका कोई विशेष प्रयोजन हो नहीं सकता। और यही कारण है कि अगली ही पंक्ति में इस बात को सुधार लिया गया है कि मेरी ओर से कोई डिनायल ना हो। लेट देयर बी नो डिनायल एट लीस्ट फ्रॉम मी। क्योंकि उसके दरवाजे तो हमेशा खुले ही हुए हैं। आप वो हैं ही, वो आपको नकार दे तो फिर बचेगा क्या? आपकी ओर से नकार ना रहे, आपकी ओर से जबरदस्ती की दूरी बनाने की कोशिश न की जाए। किन तरीकों से दूरी बनाता है मन? किन तरीकों से मन दूरी बनाता है? कहाँ है डिनायल? ये दूरी शब्द या सेपरेशन शब्द या डिनायल शब्द जो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या प्रयोजन है? डिनायल का अर्थ है मन का ये मान लेना, मन का ये डिनाई करना कि मुझसे आगे भी कुछ है। डिनायल का अर्थ है मन का ये गहरा अहंकार कि मुझसे ऊपर भी कुछ है, कि मेरी कोई सीमाएं हैं और उन सीमाओं के पार भी कोई सत्ता है। डिनायल का अर्थ है ये न मानने का दम। डिनायल का अर्थ है मन का ये कह देना कि मैं ही राजा हूं, मैं ही राजा हूं और जगत ही सत्य है। क्योंकि मन अगर राजा है तो फिर दुनिया में सिर्फ वही सब कुछ है जो इंद्रियों से दिखाई पड़ता है, और वही आखिरी है, वही सत्य है। फिर उसके आगे
किसी तलाश की कोई ज़रूरत नहीं, फिर उसके आगे कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं। माइंड कैन डू नथिंग बट बी इमर्स्ड इन दिस, बट इट हैज टू सी, इट हैज टू स्टॉप, मतलब स्टॉप नॉट इन द सेंस दैट स्टॉप थिंकिंग, बट स्टॉप इन द सेंस दैट टेक अ हॉल्ट एंड रियलाइज व्हाट इज बिहाइंड दिस। माइंड कैन नेवर रियलाइज व्हाट इज बिहाइंड दिस, माइंड कैन ओनली रियलाइज दैट दिस इज इट एंड इट इज लिमिटेड। A mind wanting to realize what the truth is will become a very, very egotistical mind. And in fact, that mind will deny the unknowable even more. That mind will say that now I know the truth. So where is the question of the unknowable? Denial means denial of the mystery. Denial means denial of the mystery. Denial means mind says, mind denies any reality beyond itself. That is what denial indicates. Denial of the mystery is to be firmly grounded in its own territory. I am firmly caged in this room and I deny that there is anything outside. The frog in the well. That is denial. You tell the frog in the well that there is the Pacific Ocean and it denies. That is denial. Now, it's not necessary that the frog may really travel to the ocean. But just the sense, just the realization that there is this boundary of the well and I am within this boundary and there must be something beyond. Now, what is something beyond? The frog can never know. Even the most well-traveled frog can never really know what is there beyond the boundary, everything that is there beyond the boundary. But just to know that I am bounded is sufficient. Are you getting it? These are two very different things. One is, I know what is beyond the boundary. The other is, I may not know what is beyond the boundary, but I know that I am bounded. The first thing is the denial. Second thing is what you call as faith. May the virtues that are proclaimed in the Upanishads be in me. कौन सी वर्च्यूज़ हैं जिनकी चर्चा उपनिषदों में हुई है, किसकी बात करते हैं उपनिषद सदा? सत्य की, ब्रह्म की, स्रोत की, कबीर ने कहा था तू करता तू हुआ। इतना जान लिया उसको करीब से कि वैसे ही हो गए। मे द वर्च्यूज दैट आर प्रोक्लेम्ड इन द उपनिषद्स बी इन मी। मी क्या है? मन है। और उपनिषद किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो कहा क्या जा रहा है इस पंक्ति में कि मैं किसके जैसा हो जाऊं? स्रोत जैसा ही हो जाऊं। तू तू करता, या जैसे एक दूसरी जगह पर उन्होंने कहा है कि तू जो चाहे मुक्त को छोड़ दे सब आस, मुक्त जैसा ही हो रहे सब कुछ तेरे पास। तो ये एक पंक्ति नहीं है, मजेदार बात है, ये तो पूरी एक टेक्नोलॉजी हो गई कि जितनी उपाधियां आप उसके साथ लगाते हैं जिसको अंततः कोई उपाधि दी ही नहीं जा सकती, पर जितनी भी उपाधियां आप उसके साथ लगाते हैं, अगर आप ही वैसे हो जाए, जिंदगी वैसी हो जाए, तो सब कुछ हो गया। जैसे कि क्या है जो उसके साथ हम लगाते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करके हम सत्य की बात करते हैं? देखिए कुछ शब्द हैं, ये एक तरह का चार्टर है कि हाँ ऐसा ही हो जाना है। असंग, अलोन, मुक्त,
बोध रूप, प्रेम, स्थिर, अचिंत्य, निर्विकार, अकारण, अपूर्व, निरंजन। अभी बड़ी मजेदार बात हो गई है, इन इन सारे ही शब्दों का प्रयोग ईश्वर नहीं सत्य के लिए किया जाता है। सत्य के लिए किया जाता है। प्रार्थना है कि मन भी ऐसा ही हो जाए जैसा सत्य है, कि माइंड भी वैसा ही हो जाए जैसा सेल्फ है, माइंड भी वैसा ही हो जाए जैसा सेल्फ है, और इसी का नाम है मन का और स्रोत का एक हो जाना। इसी का नाम है कि अब कोई डिनायल नहीं बचा। जो पहले कहा गया था कि कोई डिनायल न रहे, वो डिनायल तभी नहीं हो पाएगा जब मन ऐसा हो जाएगा, कैसा? सत्य जैसा। कल बात कर रहे थे ना तुम, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवते, उसको जान लिया उसके ही जैसे हो गए। वो अकारण है, पर हमारी एक एक हरकत में कारण रहता है। जब हमारी हरकतें भी कारण से मुक्त हो जाएंगी तो वैसे ही हो जाएंगे हम। वो अपूर्व है, पूर्व, अपूर्व माने अतीत से मुक्त, अपूर्व का अर्थ जो अतीत से मुक्त हो, पर हम पूरी तरीके से अतीत के गुलाम हैं। वो बोध रूप है, बोध रूप अर्थात जानना। और हमें जानने से बड़ी कोफ्त है। वो निर्भय है, लिख लीजिए, और हमारा जीवन भय में बीत रहा है। तो मन में और मन के स्रोत में दूरी मिटे, ये उसकी एक अच्छी टेक्निक है कि मन के स्रोत के जो लक्षण हैं उनको अपना लो, तुम भी वैसे ही हो जाओ, तुम भी वैसे ही हो जाओ। वो निरभ्र है, हम दाग ही दाग हैं हम में। ये सब लक्षण है, इनको अपनाते चलिए वैसे ही हो जाएंगे। वो निर्विकार है, निर्विकार, और हम में विकार ही विकार है। वो असीम है, और हम हर मामले में सीमाओं को पकड़ के रखते हैं। वो असीम है, और हम हर दृष्टि से सीमाओं को पकड़ के रखते हैं। वो अकाल है, और हमारा सब कुछ काल से परिसीमित रहता है। वो कॉज एंड इफेक्ट के बियॉन्ड है, हम हमेशा कारण ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो वही प्रार्थना की गई है कि मे द वर्च्यूज दैट आर प्रोक्लेम्ड इन द उपनिषद बी इन मी। जिसको बुल्ले शाह अपनी संतों वाली भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कि रांझा रांझा करते करते इतना स्मरण किया, इसको तुम कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस बोल रहे थे, इतना स्मरण किया, इतना स्मरण किया कि वैसे ही हो गए। वो अकारण है, हम भी अकारण हो गए। वो निर्भय है, हम भी निर्भय हो गए। वो आनंद मूर्ति है, हम भी आनंद मग्न हो गए। लिखो मग्न, मस्त। ये सब उस सत्य के लक्षण है। मग्न है, मस्त है, अंतर नहीं पड़ता उसे किसी बात से। हम भी वैसे ही हो गए, हम भी वैसे ही हो गए। और जब वो हो गया तो अब काहे का डिनायल, जब मैं वही हूं तो उसकी सत्ता से इनकार कैसा। मैं स्वयं प्रमाण हूं उसका, उसके होने का, कौन किसको डिनाई करे अब।
हु आई एम डिवोटेड टू द आत्मन मे दे रिसाइड इन मी. ये डिवोशन शब्द का क्या अर्थ है? सरेंडर टू वॉट? सरेंडर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता. जब भी आपने कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के प्रति सरेंडर किया तो आप अपने मन के प्रति ही सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है. असली सरेंडर वो होता है जो निराकार के सामने किया जाए. असली सरेंडर वही होता है जहाँ कहीं भी आपने किसी और के समक्ष झुकने की सोची, तहाँ आप किसी और के सामने नहीं अपने अहंकार के सामने ही झुक रहे हैं. और ये अहंकार की बड़ी गहरी चाल है कि चलो झुकना है मान लिया, पर अपने ही सामने झुक लेंगे. तो झुक के भी नहीं झुके. झुकना है ये तो मान लिया, पर फिर किसके सामने झुकेंगे? अपने ही आगे झुक लेंगे. एक मूर्ति बना लेंगे, किसी मंदिर में रख देंगे और उसके सामने सर झुका देंगे. ये अहंकार की बड़ी गहरी चाल है. जब आप मूर्ति के सामने सर झुका रहे हो तो आप अंततः किसके सामने सर झुका रहे हो? अपनी ही कृति के सामने तो सर झुका रहे हो. वो कृति आपसे बड़ी कैसे हो सकती है? इसीलिए जब तक औपनिषदिक समय था तब तक मूर्तियां बनती भी नहीं थी. सबसे पहले मूर्तियां बनी हैं बुद्ध की. जब ये बातें कही गई हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले, तब तक मूर्तियां बनती भी नहीं थी. जो बुद्ध शब्द है वो आया ही बुद्ध से है. बुद्ध से पहले मूर्तियां किसी की बनी भी नहीं. बुद्ध की मूर्तियां बनी भी तो उसके पीछे जो कहा जाता है, पता नहीं सत्य है कहानी है जो भी है, लेकिन बात सही है कि उन कहानियों उन मूर्तियों को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की तरह इस्तेमाल किया गया था. टेक्नोलॉजी ये थी कि बुद्ध हैं जो शरीर के परे हैं, चेतना मात्र हैं. और सबसे अचेतन चीज कौन सी है जो हम देख सकते हैं? पत्थर. उससे ज्यादा अचेतन कुछ नहीं. जो सबसे अचेतन है उसी का इस्तेमाल करके क्या बनाया जा रहा है? जो सबसे चेतन है उसकी मूर्ति. सिर्फ एक टेक्नोलॉजी थी और हमने उस टेक्नोलॉजी का ऐसा दुरुपयोग किया कि हमने मूर्तियों को ले जाके मंदिर में रख दिया और उनके सामने सर झुकाना शुरू कर दिया कि जैसे वहां कुछ खास बात बैठी हो. तो डिवोशन किसी मंदिर में जाकर के किसी वस्तु किसी प्रतीक किसी इनके समक्ष सर झुकाना देना नहीं है. डिवोशन का अर्थ बस इतना ही है कि मैं जान गया. एक ह्यूमिलिटी, एक विनीत भाव. और वो कहीं भी हो सकता है. पिछली बार भी हमने कहा था और फिर से वो बात याद आती है कि जहां हमने सर को झुका दिया वहीं एक काबा बना दिया. काबा वहां नहीं है कि वहां पत्थर रखा है वहां जाके सर झुकाना है. आपका सर जहां झुक जाए, आपका अहंकार जहां गिरने को तैयार हो, ईगो जहां गिरने को तैयार हो, बस वही जगह डिवाइन हो जाती है, सेक्रेट हो जाती है. आप चले जाओ बड़े से बड़े मंदिर, आप काबा चले जाओ, जहां भी जाना है, और आप वहां जाकर के भी चौड़े होकर के खड़े हो तो कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा क्या? इस डिवोशन शब्द को बड़ी नजाकत के साथ लेना है. ठीक वैसे जैसे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि लव कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, सिमिलरली डिवोशन कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक. कभी ये दावा मत करना कि मैं किसी के प्रति डिवोटेड हूं, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. तुम अपने धर्म के प्रति डिवोटेड हो अगर तो तुम फेनेटिक बन जाओगे. तुम किसी व्यक्ति के प्रति डिवोटेड हो तो तुम अटैच्ड हो जाओगे. तुम किसी काम के प्रति डिवोटेड हो तो तुम्हें बस वो काम ही दिखाई देगा, तुम्हें पूर्णता नहीं दिखाई देगी, समग्र नहीं रह पाओगे. डिवोशन को मन की एक लहर मत बना लेना. आई एम डिवोटेड टू माई वर्क, आई एम डिवोटेड टू माई मिशन, आई एम डिवोटेड टू माई गॉड, आई एम डिवोटेड टू माई किड्स. ये सब नहीं है डिवोशन. और फॉर दैट मैटर आई एम डिवोटेड टू द स्क्रिप्चर्स, आई एम डिवोटेड टू सम गुरु, ये सब बड़ी गड़बड़ है. डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर टाइम प्लेस ओकेजन एनी ऑब्जेक्ट, आई एम डिवोटेड टू माई सेल्फ डेवलपमेंट. बचना. डिवोशन
अहंकार, बड़े सूक्ष्म इनके तरीके होते हैं। आप जब उसे मारते हो तो मरता नहीं है, वो बस अपना रूप बदल लेता है। आपको लगेगा कि एक दृष्टि से मर गया, वो दूसरी दृष्टि से 100 गुना होकर बड़ा खड़ा हो जाता है। आ रही बात समझ में? भूलना नहीं कृष्णमूर्ति वाला, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, और अहंकार कहता है रास्ते ही रास्ते बनाने हैं। वो कहीं ना कहीं रास्ते बनाता है, डिवोशन भी एक रास्ता है। अच्छा रिमाइंडर है, अगर इसी तरीके से याद रख सके बढ़िया। डिवोटेड टू द आत्मन का मतलब आत्मन के विचार के प्रति समर्पण नहीं है, क्योंकि आत्मन कुछ है ही नहीं। इसीलिए बुद्ध ने आत्म को अनात्म कहा, शून्य ही है। डिवोटेड टू द आत्मन का मतलब कुछ नहीं, कहीं आत्मा घूम रही है क्या? वो आपके मानसिक दायरे के भीतर की कोई चीज है? मे दे रिसाइड इन मी, दे से किससे प्रयोजन है? वर्च्यूज से। वो सारे गुण, वो सारी उपाधियां मुझ में वास करें। किसमें वास करें? मी क्या है? मन, मन की प्रार्थना है। और कोई प्रार्थना कर भी कौन सकता? आत्मा तो जाएगी नहीं ना प्रार्थना करने, कौन कर सकता है प्रार्थना? मन। प्रार्थना का भी अर्थ इतना ही है जो सरेंडर का है। क्या? कि मैंने जान लिया कि मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं इतना ही छोटा हूं, और अब मैं विराट के सामने बस खड़ा हो गया हूं बच्चे की तरह, कि मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया, अब तुम्हें जो करना है करो। पर तुम्हें क्या कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई शक्ति है? कुछ भी नहीं है। असली प्रार्थना वही है जो किसी से न की जाए। बात मजेदार है कि नहीं? जो किसी से नहीं की जाती वही असली प्रार्थना है। आपने उसमें जरा सा भी गुण जोड़ दिया, याद रखना सत्य निर्गुण है, आपने जरा सा भी उसमें कोई गुण जोड़ दिया, गड़बड़ हो जाएगी, मिलावट हो गई। आ रही बात समझ? ओम लेट देयर बी पीस इन मी, लेट देयर बी पीस इन मी, प्रार्थना ही है। मेरे करे से तो शांति आएगी नहीं। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं कुछ करूंगा कि जिससे मुझे शांति मिल जाएगी। मैं सिर्फ समर्पित होकर खड़ा हूं, अपने आप को जान लिया है, और बस इतना काफी है। उसके आगे का जो कार्यक्रम है आप देखिए। आप स्रोत हैं, आपने पैदा किया है, आप संभालिए। हमें जितना करना था हम कर चले। इसी का नाम बेखुदी भी है। इसी को फिर बेखुदी भी कहते हैं कि हम जितना कर सकते थे हम कर चले, आगे का आप जानो, आपकी कायनात जाने, हम नहीं जानते। तुम लाए हो ना, तुम संभालो। तुमने रायता फैलाया है, तुम जानो। भाई ये सब किसने फैलाया है? अपनी मर्जी से तो हमने फैलाया नहीं है। यहां का कुछ भी हमारी मर्जी से तो हो नहीं रहा है। जो मूलभूत बात है कि जो भी कुछ हो रहा है उसे देखने की शक्ति भी हमारी मर्जी से तो आई नहीं है। उसको देखने के लिए हम हो सके, हमारा होना भी हमारी मर्जी से तो हुआ नहीं है। तो इसने फैलाया है ये सब, वो जाने। इसी का नाम है क्या? प्रार्थना, समर्पण। तुमने करा है तुम ही जानो। पर ये तुम याद रखना, कोई है नहीं। अगर तुम बोलते हुए मन में कोई मूर्ति, कोई छवि उभर आती है तो मामला भ्रष्ट है। है वही खांडे की धार ही, जिसे कबीर बोलते हैं कि प्रार्थना भी करनी है और किसी से भी नहीं करनी है। बात अजीब सी है कि करनी भी है, किससे कर रहे हो? किसी से भी नहीं। प्यार करना भी है,
प्यार होना भी है और किसी से नहीं करना है, तीर चलाना भी है पर उसका लक्ष्य ना हो जाए कोई, तीर तो चले पर उसका कोई लक्ष्य ना हो, इसी को बोलेगा ना नेकी कर दरिया में डाल। किसको दिया? नेकी करी, दान दिया, किसको दिया पता नहीं, सबको दिया, या तो ये कहो किसी को नहीं दिया या ये कहो सबको दिया, क्योंकि जब दरिया में डाल दिया तो किसी को भी मिल सकता है, सबको मिल सकता है। तो या तो ये बोलो कि शून्य से प्रार्थना करी या ये बोलो कि समग्र से प्रार्थना करी, बीच की कोई बात नहीं चलेगी। या तो ये बोलो कि किसी से प्यार नहीं या ये बोलो कि पूरी समग्रता से ही है, बीच का नहीं चलेगा। बीच में खड़ा है क्या? मन। बीच में खड़ा है मन। ये जो बीच का मामला है इसी को मन कहते हैं, यही अहम भाव है, यही अहम वृत्ति है रमण की। देखिए, एक सुलझा हुआ मन ही अगली बात जो कही गई है वो कह सकता है, लेट देयर बी पीस इन माई एनवायरमेंट। मन अच्छे से जानता है कि अगर आसपास का वातावरण दूषित होगा तो उसे भी दूषित होना पड़ेगा। मन को अच्छे से पता है, मन में ये दंभ नहीं है कि कुछ भी होता रहे हम तो हिलेंगे नहीं, मन को अच्छे से पता है। इसीलिए मन कह रहा है कि भैया आसपास भी शुद्धि रखो, अभी यहाँ बैठे हुए हो, वहाँ टीवी चलने लग जाए तो नहीं कर पाओगे बात। अभी ये एसी की जगह यहाँ हीटर ऑन कर दिया जाए तो नहीं कर पाओगे बात। इसमें से नीचे निकल निकल के चूहे उछलना शुरू कर दें तो नहीं कर पाओगे बात। तो इसीलिए एक समझदार मन वातावरण को भी अपने अनुकूल बना के रखता है, उसको इतनी समझ होती है, यथासंभव जितना उसका जोर चलता है वो ऐसी परिस्थितियां बनाता है जो उसे शांति में रख सकें, और आसपास जो ऐसे कारक होते हैं जो उसकी शांति छीनते हैं उन कारकों को वो साफ करने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है। बंद कर दो टीवी को, बंद कर दो रेडियो को, जीवन में ऐसे लोग हैं जो अशांति लाते हैं, दूर हो जाओ उनसे। ऐसा खाना खाते हो जो विस्फोट करने शुरू कर देता है, बचो उससे। ऐसी जगहों पे जाते हो जहां जाकर के ऐसी वेबसाइट्स खोल के रखते हो, बचो उनसे। लेट देयर बी पीस इन माई एनवायरमेंट। ये गुरूर नहीं है कि हम झेल लेंगे, तुम झेल सकते तो ऐसे होते। मन का तो अर्थ ही है बाहरी प्रभावों का संकलन। लेट देयर बी पीस इन द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन मी। और आगे की बात, ये सब बाहरी ताकतें हैं, ये लगी रहती हैं मेरे ऊपर, वो नहीं शांत होंगे तो मैं भी नहीं शांत हो सकता। करीब करीब बोधिसत्व वाली बात है, जब तक ये पूरा अस्तित्व तो नहीं शांत होगा मैं नहीं शांत हो पाऊंगा, क्योंकि पूरे अस्तित्व में भरी हुई हैं वो ताकतें जो मेरे ऊपर काम कर रही हैं। तो सबको शांति मिले, सबको शांति मिले, जब सब शांत होंगे तभी मैं भी शांत हो पाऊंगा। मुझे ही नहीं, पूरे अस्तित्व, पूरे विश्व को, संसार को शांति मिले, सबके लिए।